तो चलिए फिर दोस्तों, कैसे हैं? जो जो आप लोगों को क्वेश्चन किया था दोस्तों, उसका जवाब देने आ चुका हूं। तो लेके आ चुका हूं दोस्तों आप सबका और मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन आंसर सेशन का एपिसोड वगैरह। तो काफी सारे क्वेश्चन वगैरह किए दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल जवाब वगैरह दे दूंगा और काफी कुछ जरूरी चीजें भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इंतजार मत कीजिए। गिवअवे वगैरह भी आ चुका तो खत्म हो चुका सब कुछ इंतजार वगैरह, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक नहीं किया तो बेल आइकन को भी क्लिक नहीं किया तो उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे कुछ कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहता है उसे अपने फोन पर सबसे पहले पाए। और गिवअवे भी बहुत सारे आने वाले दोस्तों, तो उसके लिए भी बेल आइकन को क्लिक वगैरह कर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करो, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों बाबूजी नाम से, इनका बेसिकली नेम वगैरह है पता नहीं क्या है। तो इनका क्वेश्चन है अभी वर्क कर रहा है नहीं, तो अभी वर्क क्या नहीं कर रहा। तो इसके लिए TWS ईयरबड्स इसका का मैंने वीडियो वगैरह बनाया था, जो काफी इंटरेस्टिंग ईयरबड था, काफी सही था, अपने प्राइस में मेड इन इंडिया भी था तो काफी सही था। तो ये पूछ रहे, तो दोस्तों 7-8 महीने 1 साल के आसपास के पहले बनाया था, 1 साल पहले बनाया था। तो दोस्तों मैं इतने दिन यूज वगैरह नहीं करता कोई चीज़, वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो हद से 2 या 3 महीने, या कोई चीज़ें 10 से 15 दिन यूज वगैरह करता हूँ, या तो रिटर्न कर देता हूँ, नहीं तो किसी न किसी को सेल वगैरह कर देता हूँ। तो मैं ज़्यादा दिन कुछ चीज़ें यूज वगैरह नहीं करता। कोई बहुत मुश्किल से कोई एक चीज़ होती है जो 6-8 महीने यूज वगैरह करता हूँ। तो जब तक यूज किया था दोस्तों आपको बता दूँ काफ़ी अच्छा चल रहा था। वीडियो वगैरह में भी A to Z वगैरह जो बताता हूँ रिव्यू करके यूज वगैरह करके ही आपको डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही है ऐसी। अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन दोस्तों केस किचन है, इन्होंने क्वेश्चन एक किया इसके लिए अमेजिंग क्वेश्चन आंसर सेशन। इनको क्वेश्चन आंसर जो सेशन हम करते हैं उनको काफी अच्छा लगता है दोस्तों, आपको भी अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, इसीलिए करते हैं। ऐसे कुछ कमाल वगैरह चीजें करते रहेंगे। लाइक वगैरह नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दीजिए, और आपका धन्यवाद आपको कमेंट वगैरह करने के लिए कि आपको अच्छा लगता। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनप्पा तलवार, इसके लिए इनका शायद नाम वगैरह अगर करेक्ट वगैरह नहीं हूँ तो सॉरी हाथ जोड़ के। इनका क्वेश्चन है दोस्तों बैटरी कैपेसिटी कितनी है। इसके लिए मैंने टॉर्च हैमर टॉर्च का अनबॉक्सिंग मेरे किया था, उनके ऊपर इन्होंने कमेंट किया बैटरी कैपेसिटी कितनी है। चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ दोस्तों, याद नहीं रहता उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन जो जो वीडियो में डिटेल वगैरह देता हूँ ध्यान से वॉच कीजिएगा तो पता चल जाएगा। जो जो डिटेल देता हूँ सारी चीज़ें जेन्युइन डिटेल वगैरह देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज बना लाया 1 घंटे बाद वीडियो बना के वापस वगैरह कर दिया, जो डिटेल फेक होगी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद ही डिटेल वगैरह देता हूँ। तो जो भी आप चीज़ें वीडियो में कहता हूँ वो चीज़ें सही होती है। तो A to Z डिटेल से वॉच कीजिएगा तो आपको सारी जानकारी वीडियो में ही मिल पाएगी। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन दोस्तों अमीरा भुट्टा नेम, इनका क्वेश्चन है जो लिंक दिया है वो वर्क वगैरह नहीं कर रहा सोलर कॉलमेट पावर बैंक का। तो इनका कॉलमेट पावर बैंक सोलर के अनबॉक्सिंग किया था दोस्तों, तो काफ़ी सही था पावर बैंक जो सोलर चार्जिंग के साथ आता था, तो इनको चाहिए। तो जो लिंक दिया था वहाँ पे करंटली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ प्रोडक्ट वगैरह नहीं मिल रहा था, इन्होंने कमेंट किया था दोस्तों। तो आपके कहने के बाद मैंने जाके जो बताऊँ चेक वगैरह किया था तो नहीं मिला था, तो लेकिन सेम चीज़ें फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, लेकिन थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आपको बिल्कुल ही चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो और भी बहुत सारे जो वेस्ट सोलर पावर बैंक है उसका लिंक वगैरह दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, वहाँ से जाके परचेज वगैरह कर सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके अभी दे दूंगा, तो और भी जो बेस्ट होगा वो जाके परचेज वगैरह कर सकते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगले कमेंट की बात करो दोस्तों, अगला कमेंट है प्रशांत नाम है, मैं नहीं प्रशांत, मैं वाला नहीं हूँ, प्रशांत गोराड है, मैं प्रशांत कुमार हूँ। तो दूसरे वाले प्रशांत है, उनका कमेंट वगैरह है कि बेसिकली चार्जिंग कंप्लीट कैसे होगा। इनका भी जो हैमर टॉर्च वगैरह उसी के बारे में रिलेटेड कमेंट है कि चार्जिंग कंप्लीट होगा तो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, अगर सोलर वगैरह वाले ज़्यादा चीज़ें पर लेते हैं टॉर्च वगैरह हो या लैम्प वगैरह हो या स्पीकर वगैरह, तो उनमें क्या होता है ज़्यादातर, क्योंकि उसकी लाइट ऑफ हो जाता है ज़्यादातर केस में, आपको ये चीज़ें देखने के लिए कि रेड होगा तो लाइट ऑफ हो जाएगा, या तो रेड होगा तो लाइट ग्रीन हो जाएगा। तो ये चीज़ें कम्प्लीटली यही दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। टॉर्च वगैरह में मेरे हिसाब से ज़्यादातर बताऊँ टॉर्च वगैरह की बात करूँ दोस्तों, उस टॉर्च में साइज लाइट ऑफ हो जाता था, तो फुल चार्ज होने पर लाइट ऑफ हो जाएगा, तो फुल चार्ज होने पर आपको ऑटोमेटिकली पता वगैरह चल जाएगा। लेकिन चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, ये नहीं कि 1-2 घंटे में चार्ज हो गया, 2-3 घंटे के आसपास लगता है उसमें चार्ज होने में। तो लॉन्ग टर्म चार्ज करेंगे तो जाके लाइट ऑफ होगा, और उससे ज़्यादा भी टाइम वगैरह भी लग सकता है। बात तो सही है। अगले कमेंट की बात करूँ तो अगला कमेंट है दोस्तों प्रवीण कुमार है, इनका कमेंट ये है कि मैंने इसके लिए कूलर का अनबॉक्सिंग वगैरह किया था, क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग के साथ आता था,
तो इनका कमेंट है घटिया कूलर है, इसके लिए मोटर वगैरह लोकल लगा हुआ। तो एक चीज बता दो दोस्तों, घटिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था, लास्ट ईयर भी अच्छा चल रहा है। अभी मेरे पीछे कूलर रखा हुआ है, अभी भी गर्मी में काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो वर्किंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और घटिया आपके साथ प्रॉब्लम हुई होगी तो कह नहीं सकता दोस्तों, अगर वारंटी में तो कंपनी से कॉन्टेक्ट कीजिए। और मशीन है, कभी ना कोई ना कोई चीज़ अच्छी चलती है, कोई ना कोई चीज़ खराब हो जाती है। आपका अगर प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट ही घटिया हो सकता है, मशीन है तो खराब वगैरह कभी भी कैसे भी हो ही सकता है, तो ये चीज़ें नहीं है। कूलर काफ़ी अच्छा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे फुल्ली सर्टिफाइड है उस कूलर के साथ। का मतलब अब अगला और लास्ट कमेंट की बात करूं तो अगला कमेंट है दोस्तों विशाल कुमार का, इनका कमेंट है दोस्तों ब्रदर आपसे कॉन्टेक्ट करना, कुछ जरूरी रिलेटिव प्रोडक्ट वगैरह उसके रिलेटिव बात करना। तो दोस्तों मेरे से कॉन्टेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो जो प्रॉब्लम हो बता दूँ, लेकिन उससे भी सॉल्व नहीं होता तो ईमेल है, इसके लिए मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वहाँ ईमेल मिल जाएगा, या तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इन दोनों जगह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि वहाँ पे मैं अक्सर एक्टिव वगैरह रहता हूँ, वहाँ पे चीज़ें अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं तो आपसे 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो आपको कोई भी कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम है दोस्तों, कमेंट अब वीडियो पर कमेंट करते हैं सॉल्व वगैरह नहीं हो पा रहा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मेरे इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जो जो प्रॉब्लम है मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम और क्या क्या चीज़ है, कैसे सॉल्व वगैरह होगा। ए टू जेड 100% कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चले फिर दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं दोस्तों गिवअवे वगैरह आ चुका है, आपका इंतजार खत्म हो चुका है, TWS ईयरबड का 2 ईयरबड का गिवअवे वगैरह किया, तो लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए, फुल वीडियो वॉच कीजिए, पार्टिसिपेट वगैरह कीजिए ताकि आप गिवअवे का जो विनर वगैरह जल्दी जल्दी बन पाए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो चैनल पर भी जाकर फुल वीडियो वॉच वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को इसे बोलिए सब्सक्राइब करें, कोई भी मन में आपको रिलेटेड वीडियो के रिलेटेड किसी चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई चीज़ की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना था, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।